आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, हम ये वाला चैप्टर इसलिए कर रहे हैं, पहली बात, एक तो ये इजी चैप्टर है, ठीक है, दूसरा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब क्योंकि हमारे अभी तक तो ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं आज, ये ग्लोबलाइजेशन जो है हम बचपन से देखते आ रहे हैं इस वर्ड के बारे में, जहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई जाती हैं कि ये पॉलिटिकली, इकॉनमिकली, कल्चरली जो है काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, और ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है आज के ज़माने में भी, और इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है, देश को भी फ़ायदा मिलता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी फ़ायदा मिलता है, तो इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सपोज आप, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? अब एक व्यक्ति है जनार्दन, जो एक कॉल सेंटर में काम करता है। जनार्दन, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि एक हिंदू नाम है ये जनार्दन, ठीक है। वो कॉल सेंटर में जाता है और इवनिंग में वो फिर काफी लेट बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है तो जब वो ऑफिस में एंटर करता है तो वो क्या बन जाता है? जॉन, ठीक है। और उसका एक पर्टिकुलर एक एक्सेंट में वो बात करने लगता है, एक डिफरेंट लैंग्वेज में बात करने लगता है, जो कि वो घर पे यूज नहीं करता, ठीक है। तो अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो चीज हम पहले स्टार्ट करेंगे। जनार्दन वर्क्स इन अ कॉल सेंटर, जनार्दन जो है वो एक कॉल सेंटर में काम करता है। ही लीव्स लेट इन द इवनिंग फॉर वर्क, बिकम्स जॉन व्हेन ही एंटर्स हिज ऑफिस, अक्वायर्स अ न्यू एक्सेंट एंड स्पीक्स अ डिफरेंट लैंग्वेज देन ही डज व्हेन ही इज एट होम। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मानसी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जब मैं आपसे पूछूं तभी आप अपने आप को अनम्यूट करना। मैम एक्चुअली दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा आपको, स्क्रीन नहीं दिख रही, अब दिख रही है? हाफ दिख रही है, हाफ दिख रही है, यस मैम, उसका ब्लैक साइड है। तो जनार्दन जो है वो, जनार्दन जो है वो कॉल सेंटर में काम करता है, वो शाम को लेट जाता है काम पर, और काम पे जाते ही वो जॉन बन जाता है ऑफिस में एंटर करते ही समय, और उसकी बोली जो है वो अलग सी हो जाती है, एक अलग तरीके से वो बोलने लगता है और एक अलग लैंग्वेज बोलता है जो वो घर पे नहीं बोला करता। टू कम्युनिकेट विद हिज क्लाइंट्स हु आर लिविंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो अपने क्लाइंट्स जो उसके कस्टमर है उनसे बात करने के लिए ऐसा कर रहा है जो उससे काफी हजार मील की दूरी पर रह रहे हैं। He works all night, वो पूरी रात काम करता है, which is actually daytime for his overseas customer. और वो पूरी रात काम क्यों कर रहा है? क्योंकि जो उसके customers हैं, उनके लिए वो क्या है? दिन का समय है, ठीक है? अब जैसे इंडिया में रात हो रही है तो अमेरिका में तो दिन हो रहा होता है, तो अगर वो उसके क्लाइंट्स वहां के हैं तो उनके लिए तो दिन है, इसीलिए ये रात में काम कर रहा है। जनार्दन इज रेंडरिंग अ सर्विस टू समबडी हू इन ऑल प्रोबेबिलिटी He is never likely to meet physically. अब जनार्दन उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो रियलिटी में कभी भी इस व्यक्ति से मिलेंगे नहीं, यानी उनसे जाकर के ये कभी मिल नहीं पाएगा फिजिकली। वर्चुअली मिल सकता है, यानी कंप्यूटर पर वीडियो कॉल के दौरान या इस तरीके से वो मिल सकता है मीटिंग के दौरान, बट फिजिकली वो कभी नहीं मिलेगा। दिस इज हिज डेली रूटीन, और ये उसका डेली रूटीन है। His holidays also do not correspond to the Indian calendar, but to those of his clients who happens to be from the US. अब अगर आपने कभी देखा हो या सुना हो, आपके किसी नोन की नौकरी लगी हो जो काम कर रहा हो US based companies के लिए, तो उनको छुट्टियां Indian calendar के अनुसार नहीं मिलती, कि दिवाली हो गई या वैसे हो गई, कोई special occasion हो गया जो बहुत popular है, तो उस पर एक recommendation के दौरान आपको मिल सकती है, बाकी छुट्टियां जो यूएस बेस्ड कंपनीज हुए या फॉरेन बेस्ड कंपनीज जितनी भी होती है उनके कैलेंडर के हिसाब से इन लोगों को छुट्टी मिलती है। तो यहाँ पे भी वही चीज बोली गई है। दूसरा है, ये तो था जनार्दन का केस, अब दूसरा है रामधरी। रामधरी हैज गॉन शॉपिंग टू बाय अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज 9-year-old डॉटर। रामधरी जो है वो शॉपिंग करने गई, उसने अपनी 9 ईयर की जो बच्ची है उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है, ठीक है। He has, okay, he is a male. Ramdhari, he has promised her a small cycle and decided to search the market for something he finds affordable as well as of reasonable quality. अब यहाँ पे उसने अपने बच्ची से promise किया है कि वो उसे एक छोटी साइकिल ला के देगा, ठीक है, और
इसी चीज के लिए वो मार्केट में सर्च आउट कर रहा है कि कोई अफोर्डेबल प्राइस यानी कि एक सही कीमत पर उसको एक अच्छी क्वालिटी की साइकिल मिल जाए. He finally does buy a cycle और वो finally एक साइकिल खरीद लेता है which is actually manufactured in China but is being marketed in India. जो बनी तो चाइना में है लेकिन उसकी मार्केटिंग कहाँ हो रही है, बिकने कहाँ आई है, वो इंडिया में. It meets his requirements of quality as well as affordability. अब उसकी जो जरूरत के अनुसार थी कि भाई उसको इतने अमाउंट में जो उसका बजट है उसमें उसको अच्छी साइकिल मिल जाए अच्छी क्वालिटी की, तो वो उसको मिल गई. ठीक है. And Randhari decided to go ahead with his purchase. और उसने decide किया कि भाई वो आगे जाके मतलब इस चीज को वो खरीद ले. Last year, Randhari, on his daughter's insistence, had bought her a Barbie doll, which was originally manufactured in US but was being sold in India. और last साल क्या हुआ था? पिछले साल उसने अपनी बेटी, उसकी बेटी ने उसको बोला था कि भाई मुझे Barbie doll चाहिए. तो ओरिजिनली वो बार्बी डॉल जो उसने खरीद के दी वो बनी तो कहाँ थी? यूएस के अंदर. लेकिन वो बेची कहाँ जा रही थी? इंडिया के अंदर. तो ये दोनों ही केसेस जो हैं इसमें आपको कहीं ना कहीं फॉरेन गुड्स का इन्वॉल्वमेंट और सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा होगा. अब थर्ड केस है सारिका का. Sarika is a first generation learner who has done remarkably well throughout her school and college life by working very hard. Ab Sarika jo hai wo first generation learner hai yani ki achhi abhi jo nayi peedhi aayi hai uski learner hai. Usne bahut acha perform kiya hai apne school mein bhi aur apni college life mein bhi bahut acche se kaam kiya hai. She now has an opportunity to take on a job and begin an independent career which the women of her family had never dreamt of earlier. अब उसके पास में opportunity यानी कि उसको एक मौका दिया गया है जहाँ पे वो job कर सकती है और एक अपना independent career शुरू कर सकती है जो कि अभी तक किसी भी औरत ने उसकी family में नहीं किया या सपने में भी नहीं सोचा. While some of her relatives are opposed, she finally decided to go ahead because of the new opportunities that have been made available to her generation. अब उसके कई सारे रिश्तेदारों ने इस चीज का अपोज किया, उनके खिलाफ में काफी चीजें बोली यानी कि इसको नहीं जाना चाहिए, इसको आगे जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली नॉर्मली रिश्तेदार बोलते ही हैं. ठीक है. बट वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है, फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो ये नए जितने भी उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मौके मिल रहे हैं, वो उन सबको अपनाएगी. ठीक है. और जो भी आने वाली जो उसकी पीढ़ी है, इससे आगे जो पीढ़ी आएगी उनको जितनी भी जरूरतें होंगी वो सब अवेलेबल कराएगी जिससे वो भी आगे जाकर के दूसरे अच्छे मौके उन तक पहुंचे. समझ में आए ये तीनों केसेस? किसी को कोई दिक्कत? तीनों ही केसेस? नो मैम. ओके. नो मैम. नो मैम. नो मैम. ओके. ऑल थ्री एग्जांपल्स इलस्ट्रेट एन एस्पेक्ट aspect each of what we call globalization. ये तीनों ही examples जो हैं ये क्या दर्शा रहे हैं, एक globalization की चीज को ये बता रहे हैं. जैसे कि पहले जनार्दन जो बैठा इंडिया में है लेकिन काम कर रहा है बाहर के देशों के लिए, अपनी services provide कर रहा है बाहर के देशों के लिए. रामधरी जो है उसने एक shopping करनी है अपनी बच्ची के लिए और वो जो है इंडिया में है लेकिन वो यूज कर रहा है चाइना का प्रोडक्ट या अमेरिका का प्रोडक्ट. फिर तीसरा है सारिका का जो इस जनरेशन लर्नर है, उसको उसने बहुत अच्छी मेहनत करी कॉलेज में स्कूल में और फिर उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है और वो इस चीज को बढ़कर के आगे हासिल करना चाहती है, वो बाहर भी नौकरी कर सकती है. ठीक है. उसको जो मौका मिला है उससे. तो ये तीनों केसेस के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोबलाइजेशन कि एक देश से दूसरे देश तक गुड्स और सर्विसेज कैसी पहुंच रहे हैं या यहाँ बैठे बैठे आप कैसे फॉरेन की कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले में आपको अच्छी सैलरी जो है मिल रही है. ठीक है. ये चीज है ग्लोबलाइजेशन की. जनार्दन इन द फर्स्ट इंस्टेंस जनार्दन वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज. पहला जो हमारा केस है उसके अंदर जनार्दन जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है ग्लोबलाइजेशन कि उसमें अपनी सर्विसेज दे रहा है. रामधरीज बर्थडे परचेजेस टेल्स अस समथिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर. और दूसरा केस जो है रामधरी का, ठीक है, जिसमें वो अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदारी कर रहा है, उसमें हमें कमोडिटीज यानी गुड्स जो है वो एक हिस्से से दुनिया के दूसरे हिस्से तक जो चीज पहुंच रही है उसका वो हमें पता पड़ रहा है. देन थर्ड, सारिका इज फेस्ड विद अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज एंड पार्टली
originating from a new opportunity that earlier was not available to the women in her family, but today is part of a reality that has gained wider acceptability. और तीसरा जो केस है सारिका का, उसमें वो फेस कर रही है एक कंफ्लिक्ट जो हुआ है, ठीक है, एक इशू जो क्रिएट हुआ है वैल्यूज को लेकर के, जो पहले चीजें इनको नहीं मिला करती थी, इसके घर की औरतों को मौका नहीं मिलता था कि वो आगे जाकर के अपना डेवलपमेंट कर पाए, अपने करियर को डेवलप कर पाए, या उनको मौका नहीं दिया जाता था, वो अब उसको मिल रहा है और इससे उसने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, जो आगे जाकर के उसकी आने वाली जनरेशन को बहुत फायदा देगा. समझ में आया किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? नो मैम. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. इफ वी लुक फॉर एग्जांपल्स ऑफ यूज ऑफ द टर्म ग्लोबलाइजेशन इन रियल लाइफ, वी विल रियलाइज दैट इट इज यूज्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट. अब अगर हम एग्जांपल्स देखें कई सारे कि कहां पे हम ग्लोबलाइजेशन को रियल लाइफ के अंदर इस टर्म को यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास में कई सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट वी हैव लुक्ड अबव. अब हम कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हुए, जो है जो हमने ऊपर पढ़े उनसे थोड़े डिफरेंट. सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप्स फेल्ड, दे हैड बॉट वेरी एक्सपेंसिव सीड सप्लाइड बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी. पहला एग्जांपल ये है कि कुछ फार्मर्स जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया, यानी उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई और उन्होंने बहुत ही महंगे बीज खरीदे थे MNC से, यानी मल्टीनेशनल कंपनी से. An Indian company bought a major rival company based in Europe despite protest by some of the current owners. एक इंडियन कंपनी ने एक उसकी जो मेजर राइवल यानी दुश्मन कंपनी थी यूरोप के अंदर, उसको खरीद लिया भले ही इसके जो वर्कर्स थे करंट ओनर्स जो थे उसके वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर भी इंडियन कंपनी ने खरीद लिया. फिर थर्ड है, मेनी रिटेल शॉपकीपर्स फियर दैट दे वुड लूज देयर लाइवलीहुड्स ऑफ सम मेजर इंटरनेशनल कंपनीज ओपन रिटेल चेन्स इन द कंट्री. अब कई सारे जो यहाँ पर रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार जो होते हैं जो गलियों में या सड़कों पर अपनी दुकानें लेकर के बैठे हुए हैं, उनको इस चीज की चिंता है कि अगर किसी इंटरनेशनल कंपनी ने आकर के यहाँ पे अपनी रिटेल चेन्स लगा दी देश के अंदर, तो इनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी और इनको बहुत नुकसान होगा. A film producer in Mumbai was accused of lifting the story of his film from another film made in Hollywood. एक फिल्म प्रोड्यूसर जो कि मुंबई का है, उस पर आरोप लगाया गया कि उसने अपनी पिक्चर की स्टोरी, अपनी फिल्म की स्टोरी जो है किसी हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी लेकर के कॉपी करके यहाँ पे फिल्म बना दी है. फिर है, a militant group issued a statement threatening college girls who wear western clothes. एक मिलिटेंट ग्रुप है जो एक बन जाता है ना, ये छोटे छोटे ग्रुप्स अपने हिसाब से कानून को अपने हाथ में लेकर के मोल्ड करने की कोशिश करते हैं. उन्होंने धमकाया है, एक स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने धमकाया है कॉलेज गर्ल्स को कि भाई अगर तुमने वेस्टर्न क्लोथ्स पहने, यानी कि वेस्टर्न कपड़े पहने, तो तुम्हारे साथ में बुरा होगा. ये सारे एग्जाम्पल्स हमें क्या शो कर रहे हैं? दीज एग्जाम्पल्स शो अस दैट ग्लोबलाइजेशन नीड not always be positive, it can have negative consequences for the people. अब ये जितने भी हमने ऊपर examples पढ़े जहाँ पे किसानों ने आत्महत्या करी, इंडियन कंपनी ने प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी फॉरेन की कंपनी खरीदी, रिटेलर्स को रिटेल शॉपकीपर्स जो है उनको खतरा लग रहा है कि कोई फॉरेन की कंपनी यहाँ आ गई और रिटेल चेन डाल दी तो हमारे को नुकसान हो जाएगा, फिल्म प्रोड्यूसर ने हॉलीवुड की फिल्म कॉपी करके बना दी, मिलिटेंट ग्रुप जो है वो कॉलेज गर्ल्स को धमका रहे हैं कि तुम वेस्टर्न कपड़े मत पहनो, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का. कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन होने से सिर्फ फायदा ही हो रहा है कि फॉरेन गुड्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं अच्छी क्वालिटी के और सस्ते दामों पे हम उनका यूज कर रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इनके अलावा नेगेटिव चीजें जो है वो ये है. इनडीड देयर आर मेनी हु बिलीव दैट ग्लोबलाइजेशन has more negative consequences than positive. और इंडी कई लोगों का मानना ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन के जितने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, consequences हैं, उससे कहीं ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. These examples also show us that globalization need not be only about the economic issues, nor is the direction of influence always from the rich to poor countries. अब ये examples हमें ये दिखा रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक इश्यूज के अलावा जो इश्यूज हैं कि भाई आत्महत्या कर ली, मतलब आर्थिक
इश्यूज के अलावा जो इश्यूज हैं, अब जैसे कपड़े पहनने वाली बात है, इसमें कोई आर्थिक और पॉलिटिकल वो इन्फ्लुएंस तो हमें देखने को मिल नहीं रहा, ये सिंपली इनकी सोच से रिलेटेड है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है, रिच टू पुअर कंट्रीज तक ही असर नहीं पड़ रहा कि रिच कंट्रीज का असर जो है पुअर कंट्रीज पर पड़ रहा है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में चीजें नहीं है, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी में आती हैं और उनका नेगेटिव इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। अब ये जो ये रिटेल शॉपकीपर वाली चीज है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ सालों पहले एक चीज थी, ठीक है, एक यूएस बेस्ड वॉलमार्ट करके रिटेल, मतलब जैसे बड़े शॉपिंग सुपरमार्केट होते हैं उसी तरीके से था वॉलमार्ट करके। और उस समय ये बोला जा रहा था कि वॉलमार्ट जो है वहां वो इंडिया में आकर के भी अपना सुपरमार्केट्स खोलेंगे, तो काफी सारे जो छोटे शॉपकीपर्स थे, रिटेल मार्केट्स जिनका था, उन्होंने इस चीज का काफी प्रोटेस्ट किया था और बोला कि नहीं, ये नहीं आने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम अगर ये आ गए तो हमारी दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी और हम अपनी जीवनी खो देंगे, लाइवलीहुड हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। अब वॉलमार्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, वॉलमार्ट में आपको सुई से लेकर के शिप तक की कोई भी चीज जो होगी वो सब अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अभी हमारे रिसेंटली डी मार्ट है, बिग बाजार है, और ये रिलायंस मार्केट है, यहाँ पे हमें सारी तरह की चीजें मिल जाती हैं। अब ये है तो बड़े मार्केट्स, लेकिन ये वॉलमार्ट के कंपैरेटिवली इतने बड़े नहीं है, और वॉलमार्ट जो है वो सारी ही चीजों का बहुत बड़ा, यानी उसका प्रॉपर अगर आप कभी गूगल करके देखें तो आपको पता पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली चीज क्या है। तो इसका क्या असर है, ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है कि भाई अगर फॉरेन की कंपनीज आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट करके और यहाँ के लोगों की नौकरियां एक तरीके से या उनकी जीवनी जो है वो खत्म कर रही हैं, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? Since much of the usage tends to be imprecise, it becomes important to clarify what we mean by globalization. अब कई सारी चीजों का जो usage है वो पूरी तरीके से precise तरीके से नहीं बताया गया, clearly नहीं बताया गया है, तो ये clarify करना बहुत जरूरी है कि globalization का असल मतलब क्या है। Globalization, a concept fundamentally deals with flows. These flows could be of various kinds, ideas moving from one part of the world to another, capital shunted between two or more places, commodities being traded across borders, and people moving in search of better livelihoods to different parts of the world. Globalization ka jo concept hai wo basically kis cheez par related hai, flows, yani ki cheezon ka flow ho. अब ये फ्लोज जो है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कि आइडियाज जो है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचे वर्ल्ड के, कैपिटल जो है वो दो से ज्यादा जगहों पर यूज की जाए, कॉमोडिटीज जो है वो अक्रॉस बॉर्डर्स यानी कि एक देश से दूसरे देश तक चीजें पहुंचाई जा रही हैं, लोग बाग जो है वो अच्छा जीवन जीने के लिए या अच्छी नौकरियों के लिए एक देश से दूसरे जगह या वर्ल्ड के किसी और देश में मतलब मूव कर रहे हैं कि जिससे उनको नौकरियां मिल जाए। कई बार आपने सुना होगा कि उस बच्चे का इंजीनियरिंग करके कंपनी ने प्लेसमेंट दिया एंड ही इज मूविंग टू सम अदर कंट्री लाइक यूएसए और मलेशिया और एनी अदर बिग कंट्री फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी चीजें जो है इसी के अंदर आती हैं। द क्रूशियल एलिमेंट इज द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस दैट इज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज कॉन्स्टेंट फ्लोज। अब सबसे क्रूशियल एलिमेंट यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, वो है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, कि पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे से इस तरह कनेक्ट हो गई है कि उन्होंने क्रिएट करा है इस तरह का कनेक्शन क्रिएट किया है जो प्रॉपरली चल पा रहा है, कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रही हैं चीजें। जैसा कि हमने पिछले साल 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, लोग बाग जैसे चाइना है और यूरोप की कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से ट्रेड करने लगी थी, उनका तरीका अलग था भले ही, लेकिन वो लोग ट्रेड कर रहे थे, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन उस जमाने से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जब इंटरनेट बना तभी ग्लोबलाइजेशन हुआ, नहीं, ग्लोबलाइजेशन तो काफी सदियों पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इसके असल मायने क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव हैं या नहीं है, और नेगेटिव हैं तो कौन से हैं और पॉजिटिव हैं तो कौन से हैं।
समझ में आया किसी को कोई दिक्कत? ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. इट हैज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल मैनिफेस्टेशंस एंड दीज मस्ट बी एडिकेटली डिस्टिंग्विश्ड. अब इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशंस भी हैं. यानी कि इनके अंदर सारी चीजें, वो पॉलिटिकल बेसिस पे देखी जाए या इकोनॉमिक बेसिस पे देखी जाए या कल्चरल बेसिस पे देखी जाए, तो वो सभी इंक्लूडेड हैं. जरूरत है तो बस उसको एडिकेटली डिस्टिंग्विश करने की, यानी डिफरेंशिएट करने की. इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन हैज प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन. ये चीज मानना कि भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ आर्थिक चीजों से ही रिलेटेड है, तो वो पूरी तरह से गलत है. जस्ट एज इट वुड ऑल्सो बी मिस्टेकन टू अज्यूम दैट इट इज अ प्योरली कल्चरल फिनोमेनन. और उसी तरीके से ये मानना भी, ये मान के बैठ जाना भी पूरी तरह गलत है कि भाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि कल्चरल जो चीजें हो रही हैं, कल्चरल फिनोमेना जो है, यानी कि एक वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर आपस में मिक्स हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, बस यही ग्लोबलाइजेशन है, ये चीज भी गलत है. द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वास्टली अनइवन. ग्लोबलाइजेशन का जो असर है पूरी तरह से देखा जाए वो पूरी तरीके से अनइवन है. इफ It affects some societies more than others and some parts of some societies more than others. यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि इसका अंदाजा लगाना पूरी तरीके से ये अनइवन तरीके से, कुछ हिस्सों, कुछ societies को ये दूसरी societies से ज्यादा असर करता है, कुछ हिस्सों को ये कम असर करता है दूसरे हिस्सों को. मतलब कहने का ये है कि कहीं कहीं पर इसका असर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसका असर कम है. अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो आप कि भाई अब आप शहर में रह रहे हो तो आपको पता है कि कैसे आपने लॉग इन करना है, कैसे आपको जूम कॉल अटेंड करनी है. और वहीं इसका असर आप रूरल एरियाज में देखोगे तो वहां पे हम लोगों को नहीं पता होगा कि किस तरीके से क्या जूम होता है, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई होती है. तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कुछ हिस्सों में इसका असर ज्यादा है और कुछ हिस्सों में इसका असर कम है कंपैरेटिवली देखा जाए तो. समझ में आया? और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो जनरल कंक्लूजन निकाल के बैठ जाते हैं, अपने हिसाब से जो कयास लगा के बैठ जाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का असर जो है उसको कितना हमें अटेंशन देने की जरूरत है, क्या हम उसको प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं, अटेंड इज इन उस पर प्रॉपरली हम स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उसके पॉइंट्स हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं, उन चीजों को हम प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बिना आप पूरी अपनी रिसर्च करे नहीं जज कर सकते. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम इतना ही करेंगे बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आई हैव टू सेंड यू द लिंक फॉर योर अनदर क्लास, हिस्ट्री क्लास. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं. आप घर पे बैठ के पढ़ना है, अपनी प्रॉब्लम्स मार्क करनी है. कल के सेशन में हम शुरुआती 5 मिनट के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे. रही बात स्पेसिफिक वर्ड मीनिंग्स की, तो वो आप, क्योंकि आप 12th क्लास में आ गए हो, आपको डिक्शनरी यूज करना आता है, तो आपने अपने हिसाब से मार्क करके वर्ड मीनिंग्स छांट के रखने हैं. ठीक है, उसके मीनिंग्स निकाल के रखोगे. वो इसीलिए ये टास्क इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अगर आप खुद से कोई काम करते हो ना तो वो ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रहता है और आपके मीनिंग आपके अच्छे से दिमाग में रहेगा. मैं तो आपको ढूंढ के बता ही दूंगी, लेकिन आपका काम भी तो होना चाहिए ना, तो वो इसलिए आपको करना है. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे.